नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से। और बताएं कैसे हैं आप? मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और खुशी खुशी रह रहे होंगे। तो आज बनने जा रही है एक बहुत ही टेस्टी वाली सब्जी, बहुत मज़ेदार रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये है कटहल की सब्जी। तो कटहल तो बहुत यूनिक तरीके से बना रही हूँ, तो आपसे भी शेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने ये 300 ग्राम कटहल लिया है साफ करके, और बीज वगैरह साफ करके उसको रख लिया है। और कभी भी कटहल काटें तो ऑयल हाथ में ज़रूर लगाएं, और ये स्पंजी हिस्सा है जो वो निकाल दें। ऑलमोस्ट मैंने निकाला है, तो बाकी बीज को अंदर से निकाल के थोड़ा साफ कर लें। कोई कोई रह गया है तो ये इसको भी निकाल के साफ कर लें। तो बीज भी साथ ही फ्राई करूँगी। और मैंने ये लिया है एक बड़ा प्याज, जिसको मैंने कट करके और पीसेस में रख लिया है। और ये थोड़ी लहसुन की कलियाँ हैं 10-12, थोड़ा अदरक और एक हरी मिर्च ली है, ये करी पत्ता और धनिया है, और नींबू हाफ है। तो ये सब मसालों को मैं अच्छे से पीस लूँगी और फिर बाकी बेसिक मसाले आपको बता दूँगी साथ साथ में। यहाँ पे मैंने कटहल को ले लिया है, बाउल में रख लिया है। इसमें अभी इसमें मसाले डाल दूँगी। 1/4 चम्मच हल्दी डालूँगी, 1/2 चम्मच कश्मीरी चिली, थोड़ा सा धनिया पाउडर और ये काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। और मैं डाल रही हूँ 1/2 नींबू का रस। जो ऑनियन है उसको भी साथ में ही डाल देती हूँ। ये सबको 1/2 घंटा मैरिनेट करके रख दूंगी मैं। हाँ जी, तो कटहल को मैरिनेट होते हुए 1/2 घंटा हो गया है, एकदम बढ़िया हो चुका है। यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं अपनी पसंद का। मैंने राइस ब्रांड लिया है, सरसों का तेल भी बढ़िया रहता है। तो अभी इसको बना लेते हैं। इसे 3-4 मिनट भूनने के बाद कटहल हमारा एकदम फ्राई हो चुका है बढ़िया से। अब इसमें मसाले डाल देती हूँ। सबसे पहले चिली फ्लेक्स डालूंगी, कुटी हुई काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, जो पेस्ट बनाया था वो डाल रही हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है यहाँ पे। आपका कटहल नहीं पका है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकती हैं। थोड़ा सा नमक डालूंगी। गाइस आप ऐसे कटहल बना के देखें, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा था, इसलिए मैंने शेयर किया आपसे। अभी फ्लेवर मिक्स हो जाए इसके लिए इसको कवर करके पका लेंगे। हाँ जी, तो 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जी कुक हो चुकी है एकदम बढ़िया वाली। देखिए इसका लुक भी बहुत बढ़िया है, ये टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसको जरूर बनाएं। लास्ट में देखिए कि मैंने मिंट रखा है, पुदीना, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया। अभी लास्ट पंच है इसमें, 1 चम्मच सॉल्ट डाल लेते हैं। इसमें केचप है, ये टमाटो सॉस। देखिए यहाँ पे अपनी बढ़िया सी कटहल की सब्जी बनकर रेडी हुई है। एकदम डिफरेंट स्टाइल में बनाया है मैंने इसको, और ये बहुत ही स्वाद भी बनता है। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए।
और मुझे जरूर लिखें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी है वैसे तो कर लेती हूँ इसकी प्लेटिंग। इसको पूरी पराठे राइस के साथ भी खाएं तो भी मज़ेदार लगेगी, बहुत ही डिफरेंट है। मेहमानों के आने से भी आप बना सकते हैं इसको, एकदम अलग ही लगेगी। इसके साथ कुछ नहीं, दही रायता साथ में हो और ये सब्जी, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। गेस्ट को भी बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको, बाय।